नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। CIA पुलिस सिरसा को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पकड़ी है 2 किलो 600 ग्राम अफीम। जी हां, जिला भर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की CIA सिरसा पुलिस ने करीबन 5 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद कर 2 तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। CIA सिरसा के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को काबू कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम बरामद की है। उन्होंने बताया कि प्रथम घटना में CIA स्टाफ के सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान महत्वपूर्ण सूचना मिलने पर गाँव माधोसिंगाणा क्षेत्र में एक कार सवार से और उस व्यक्ति से काबू किए गए उसके कब्जे से करीबन 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान दिलप्रीत सिंह उर्फ गोना पुत्र सुखदेव सिंह वासी मलेका के रूप में हुई है। पकड़े गए व्यक्ति से सप्लायर के बारे में अभी पता करना मालूम है। इस संबंध में सदर थाना सिरसा में सप्लायर समेत 2 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि दूसरी घटना में CIA स्टाफ के उप निरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान रानिया क्षेत्र में एक व्यक्ति को काबू कर उसके कब्जे से 200 ग्राम अफीम बरामद की है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान नतोरम नरोत्तम कुमार उर्फ बब्बू पुत्र मुल्कराज वासी वार्ड नंबर 5 रानिया के रूप में हुई है। पकड़े गए व्यक्ति से सप्लायर के बारे में नाम मालूम कर इस संबंध में थाना रानिया में 2 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाशी शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपियों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे नियमानुसार कंटेनमेंट जोन में उन्हें रखा जाएगा। उन्हें पूरी तरह से क्वारंटाइन किया गया है। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। SP साहब सिरसा के निर्देश अनुसार क्राइम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कल CIA पुलिस सिरसा ने एक विशेष अभियान चलाया था। उस अभियान के तहत साय ने हमारे कृष्ण ASI हैं, उनकी टीम पेट्रोलिंग पे थी तो उसी समय टाटा सफारी गाड़ी की सूचना मिली। एक्चुअली में घटनाएं तीन हैं, मैं तीनों का वेरवा दे रहा हूँ। टाटा सफारी गाड़ी थी 4YG9400 के बारे में सूचना मिली थी कि इसमें कोई अवैध सामान है। इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इस गाड़ी के चालक ने, इसमें 2 सवार थे, पुलिस पार्टी पे गाड़ी चलाने की कोशिश की और जब इस गाड़ी का पीछा किया तो ये शहर में लावारिस छोड़ के भाग गए। इस पे हमने कृष्ण कुमार ASI सिरसा की तरफ से 307 और 353 332 186 IPC का मुकदमा दर्ज करवाया हमने थाना सिविल लाइन में। इसमें हमारे एक हेड कॉन्स्टेबल चोटिल भी हुए हैं। तो उसके बारे में सूचना थी कि इसमें कोई संदिग्ध सामान है जिसपे नाकाबंदी की गई थी रानिया चुंगी के पास, बट उसने गाड़ी नहीं रोकी, पुलिस पार्टी पे हिट किया उसने, जिससे एक हमारा हेड कॉन्स्टेबल सुनील कुमार चोटिल भी हुआ है। लेकिन जब उसका पीछा किया गया तो वो लावारिस हालत में गाड़ी छोड़ करके भाग गए। उसमें 2 सवार थे, जिस पे हमने 2 के खिलाफ जगजीत सिंह उर्फ बिट्टू नाम का आदमी है, मुस्से वाली गाँव जिला फतेहाबाद का रहने वाला है, उसके खिलाफ हमने थाना सिविल लाइन मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद एक दूसरी पार्टी हमारी ASI महेंद्र सिंह के नेतृत्व में माधोसिंगाणा गांव के पास पेट्रोलिंग पे थे, उनको सूचना मिली कि दिलप्रीत सिंह उर्फ गोना जो कि मलेका का रहने वाला है अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में फीम लेकर आ रहा है। जो महेंद्र सिंह ASI ने अपनी पुलिस पार्टी के साथ माधोसिंगाणा पुल पर नाकाबंदी करके दिलप्रीत सिंह उर्फ गोना वासी मलेका को उसकी कार समेत काबू किया और नियमानुसार NDPS एक्ट की कार्रवाई पूरी करके उसकी कार की तलाशी ली तो कार में से करीब 2 kg 600 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिस पर थाना सदर सरसा में एक अभियोग अंकित करवाया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, अब तक की जांच में जो इसने बताया है, मध्य प्रदेश से अफीम लेकर के आता है और उसको यहाँ पर लोकल एरिया में बेचता है, सप्लाई करता है। जैसा कि इसने बताया कि पिछले काफी दिनों से यह गैर कानूनी कार्य कर रहा है। इसी प्रकार हमारी तीसरी पुलिस पार्टी सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में रानिया इलाका में
मौजूद थी, उन्होंने भी एक नरोत्तम कुमार नाम का व्यक्ति जो रानिया का रहने वाला है उसको 200 ग्राम अफीम सहित काबू किया है और उसके खिलाफ थाना रानिया में अलग से एक अभियोग अंकित करवाया गया है। बिल्कुल रानिया वाला मैटर क्लियर हो गया। रानिया वाले की पूछताछ में आया है कि ये जो माल रानिया वाले ने लिया है वो इस दिलप्रीत गोना से लिया है। इसमें हम थोड़ी सी हमें रुकावट आई है कि दिलप्रीत सिंह गोना है जो कोरोना पॉजिटिव आया है, इसकी वजह से हमारी 30 में थोड़ी सी पुलिस रिमांड में रुकावट है। फिर भी हम इसमें नियमानुसार कार्रवाई करें जी। कोरोना पॉजिटिव आने पे क्वारंटाइन करवा दिया गया उसको, कोर्ट के आदेश अनुसार पहले उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट के आदेश अनुसार क्वारंटाइन करवा दिया जाएगा।